बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस। आज हमारी इस इंटरव्यू के क्वेश्चंस की वीडियो का जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। सो फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च। अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या होता है, इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस है अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के दरमियान, उनका पर्पज़ और उनकी फोकस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक रिसर्च इज़ वॉट। बेसिक रिसर्च एम्स टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फिनोमेना। इट फोकसेस ऑन थेरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका जो मेन फोकस होता है थेरेटिकल नॉलेज होता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग होता है, जबकि अप्लाइड रिसर्च क्या होगी, वो इसकी एप्लीकेशन होगी, वो इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। इट एम्स बेसिक रिसर्च एम्स टू एक्सपेंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर इट्स ओन सेक। ऑफन डज इट हैव इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वाई अप्लाइड रिसर्च सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस रियल वर्ल्ड इशूज। इट फोकसेस ऑन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू डिवेलप सोल्यूशंस। इट एम्स टू प्रोवाइड सोल्यूशंस प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज दैट कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिचुएशंस। And it often has direct practical applications and potential impact. While basic research provides the foundation and applied research builds upon it to create practical solutions. The next question is what is a phoneme? Phoneme जो है basically क्या है, ये हमारे linguistics में use होता है। Phoneme जो है वो ये एक unit of sound होता है in a language that distinguishes one word from another. Phoneme is a unit of sound in a language that distinguishes one word from another. It is basically a smallest distinctive unit of a sound in a language, and changing it can change the meaning of a word. If we change a phoneme, it means the meaning of the word will also directly change. For example, pa and ba sound are different phonemes in English, as seen in the words pet and bat. K and T are different phonemes, as seen in the words cat and pet. Phonemes are the building blocks of spoken language and understanding them is essential for language learning, teaching and speech therapy. आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्हें अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कारण चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर पीपीएससी एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 50 इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ फनीम एंड अ फोन। फनीम बेसिकली क्या है, फनीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज दैट डिस्टिंग्विशेस मीनिंग बिटवीन वर्ड्स, बट फोन इज अ फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ अ फनीम। मीन्स फोन जो होता है वो फिजिकल रियलाइजेशन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फनीम इज अ पा साउंड, बट फोन इज वर्ड पी के साथ जब हम एच की फा, वी प्रोनाउंस इट फा, दैट इज अ फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ, दैट इज अ फोन। ओके, एंड फनीम इज़ अ थेरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड, वाइल फोन कैन फोन इज द एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन स्पीकिंग लाइक फा था। फोन कैन वेरी इन देयर एकुस्टिक प्रॉपर्टीज लाइक पिच टोन आर वॉइसिंग। ओके, एंड द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड यूटेरेंस। सेंटेंस एंड यूटेरेंस आर रिलेटेड टर्म्स, बट देयर कंसेप्ट is distinct in linguistics. Sentence is basically a unit of language that express a complete thought or idea. Sentence can be spoken or in our mind. Sentence is basically in our mind that we think that, for example, she is running, she is walking. We think when we utter this sentence, it means that is called an utterance. Sentence is a unit of language that expresses a complete thought or idea, while it's a grammatical unit consisting of a group of words with a specific structure. Sentences can be spoken or written. ये स्पोकन भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, बट अटरेंस इज अ यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज दैट इज एक्चुअली स्पोकन बाय स्पीकर। लाइक टुडे आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, आई एम स्पीकिंग, सो this is an utterance. It's a concrete realization of a sentence in a specific context. Utterances include speech sounds, intonation, tone and non-verbal cues. Okay, and also for example, to illustrate the sentence, I'm happy to see you, it can be realized as different utterances like I'm happy to see you excitedly or I'm happy to see you sarcastically. In short, sentences are abstract grammatical units while utterances are concrete spoken instances of those sentences. The next question is difference between morpheme and morph. Morpheme is the smallest unit of language that carries meaning or function, while a morph is a physical realization of a morpheme, like just a phoneme and phone. Phone is the physical realization, while phoneme is the smallest unit. Here, morpheme is the smallest unit of language that carries meaning or function, but morph is a physical realization of a morpheme. Morpheme is
इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट ऑफ मीनिंग वाइल मॉर्फ कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीरो मॉर्फीम. जीरो मॉर्फीम इज बेसिकली व्हाट. जीरो मॉर्फीम इज अ मॉर्फीम दैट हैज़ नो फिजिकल रियलाइजेशन, जिसके पास को फिजिकल रियलाइजेशन नहीं होती और फोनेटिक फॉर्म नहीं होती, बट स्टिल कन्वेज मीनिंग और फंक्शन. लेकिन वो मीनिंग या फिर फंक्शन को जरूर कन्वे करता है. उसके पास फिजिकल रियलाइजेशन नहीं होती, बट वो मीनिंग को कन्वे करता है. इट्स एन इनविजिबल मॉर्फीम दैट डजंट चेंज द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, जो कि वर्ड की फॉर्म को चेंज नहीं करता, बट अफेक्ट्स इट्स ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिकल इंटरप्रिटेशन. For example, in English, the plural form of form, most nouns is formed by adding s, r, es. But some nouns like deer or fish do not change form to indicate plurality. The zero morpheme represents the absence of a suffix. In some languages, the absence of a marker or suffix indicates a specific grammatical case or tense, which is represented by a zero morpheme. Okay? And the next question is difference between morphs and allomorphs. What is morph and allomorph? Morph and allomorph जो हैं ये related concepts हैं linguistics में, but इनके meaning जो हैं वो differ है. Specific meanings हैं इनके. Morph basically is a physical realization of a morpheme. It is the actual form a morpheme takes in a specific word. Morph can vary depending on the context and language. Morph जो होते हैं वो context और language पे depend करके वो vary करते हैं, change होते हैं. While allomorph is a variant of a morph. Allomorph क्या है? वो morph की variation है. It is a specific form of a morph that occurs in a specific context of our environment. Allomorphs are variants of the same morpheme with the same meaning or function. To sum up, morpheme ed has different morphs like walked, runned and moved. And the morphs walked and walked are allomorphs of the same morpheme ed with the same meaning past tense. In short, morphs are the physical forms of morphemes, while allomorphs are variants of those morphs that occur in specific contexts. The next question is what is applied linguistics. Applied linguistics is basically it is an interdisciplinary field that aims to address real world लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. इसका जो एम होता है बेसिकली वो एड्रेस करना होता है रियल वर्ल्ड लैंग्वेज रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं बाय अप्लाइंग लिंग्विस्टिक थेरीज को अप्लाई करते हुए, लिंग्विस्टिक मेथड्स को अप्लाई करते हुए और इंसाइट्स को. टू लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, टू लैंग्वेज असेसमेंट एंड टेस्टिंग, टू लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग, टू लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, टू कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एंड स्पीच थेरेपी, टू लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज. इट ऑल्सो सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव लैंग्वेज रिलेटेड प्रैक्टिसेस. The next question is most frequent themes of the poetry of the Emily Dickinson. Emily Dickinson, as all of you know that she was an American poet, and the most frequent themes of the poetry of Emily Dickinson include nature and its wonders. इसके जो most frequent themes थे nature थे और उसके wonders थे death and immortality. आपने देखा होगा कि इसी की ही poem है death वाली, I have no more time. से रिलेटेड सो द इंडिविजुअल्स स्ट्रगल एंड असर्शन ऑफ द सेल्फ, लव, द पावर ऑफ वर्ड्स एंड पोएट्री, द ब्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल, द ह्यूमन कंडीशन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एस्केपिज्म ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड जॉन कीट्स. देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड जॉन कीट्स पोएट्री इन इट्स नेचर एंड ओरिएंटेशन. इनमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एस्केपिज्म है वो हमें नज़र आता है एज अ टेम्परेरी एंड प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स टू द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. वो हार्श जिंदगी की हार्श रियलिटीज़ से भागने के लिए एक टेम्परेरी, इसका जो है हार्श रियलिटीज़ से भागने के लिए एक टेम्परेरी और प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स होता है एस्केपिज्म में. इसकी पोएट्री जो है हमेशा वो अक्सर जो है एक्सप्लोर करती है ह्यूमन नीड टू एस्केप फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, टेक्नोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन. लाइक आपने वो देखी होगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है स्टॉपिंग वेबवुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वहाँ पे भी इसमें एस्केपिज्म थोड़ा दिखाया गया है कि जब वो जब जंगल में जाता है फिर उसका उसे याद आता है कि मैंने तो आई हैव टू फुलफिल माय ओन प्लेजेस, तो फिर वो वापस लौट जाता है. फ्रॉस्ट एस्केपिज्म ही रूटेड इन द नेचुरल वर्ल्ड, सीकिंग प्लेस इन द रूरल लैंडस्केप एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ. वाइल जॉन कीट्स इज रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक फ्लाइट फ्रॉम द पेन एंड सफरिंग ऑफ द ह्यूमन कंडीशन. वो ह्यूमन कंडीशन की सफरिंग और पेन से भागने के लिए आइडियलिस्टिक फ्लाइट है उसकी, वो एक रोमांटिक है. And his poetry often seeks to transcend the mundane and ephemeral nature of life through the beauty of art, imagination and the senses. Keats ka jo escapism hai that is oriented
टू वार्ड्स द रियलम ऑफ ब्यूटी ट्रूथ एंड इटरनल सीकिंग टू स्केप द कॉन्स्टेंट्स ऑफ टाइम एंड रियलिटी इन शॉर्ट फ्रॉस्ट स्केपिज्म इज मोर ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल वाइल कीट्स इज मोर आइडियलिस्टिक एंड रोमांटिक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव पुलिट्जर प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिसीव पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री फोर पुलिट्जर प्राइजेस इन 1924 ही वन हिज फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज फॉर न्यू हैम्पशायर एंड हिज सेकेंड पुलिट्जर प्राइज वॉज फॉर कलेक्टेड पोएम्स इन 1931 हिज थर्ड पुलिट्जर प्राइज वॉज फॉर अ फर्दर रेंज इन 1937 and his fourth last Pulitzer Prize was for A Witness Tree in 1943 and the next question is today's video of the last question and how did Hemingway die Hemingway ki death kis tarah se hui thi usne suicide kiya tha Ernest Hemingway died on July 2 1961 at his home in Ketchum Idaho why from a self-inflicted gunshot wound he had been suffering from physical and mental health issues including depression and effects of multiple concussions and had previously been hospitalized for electroshock therapy. Hemingway's death was ruled a suicide, मैंने आपको पहले बताया, and it is widely believed that his struggles with mental and physical health as well as his family history of suicide, his father, brother, sister and granddaughter all died by suicide contributed to his death. I hope it's clear to all of you. आज की वीडियो में हमने जो है 60 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.